بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پیارے بچوں کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری انٹرسٹنگ ٹاپک آج جو ٹاپک میں آپ کو پڑھا رہا ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اکارڈنگ ٹو بورڈ پیٹرن بورڈ کے مطابق ڈی سی موٹر ہر سال پیپر میں آتا ہوتا ہے اور موسٹلی یہ لانگ کوسچن میں ہوتا ہے This is a complete full-fledged long question जो कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं और इसका नाम है डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या है? आपने डेली लाइफ में देखा होगा डीसी मोटर टॉय मशीन्स में लगे होते हैं, वॉशिंग मशीन्स में लगे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आपने देखा होगा डीसी मोटर लगा होता है और वो काम कर रहा होता है। ये हेयर ड्रायर्स मशीन्स वगैरह में होते हैं, ठीक है, शेविंग मशीन्स वगैरह में लगे होते हैं, डीसी मोटर उसके अंदर लगा होता है। जहां पर भी आपको कोई चीज लग रही हो कि कोई चीज अंदर घूम रही है तो समझ जाए कि वो डीसी मोटर की वजह से घूम रही है। डीसी मोटर डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि डेली लाइफ में आपके पास ये टॉय मशीन्स जो होती हैं, सर ये वॉच में होती है? नहीं, वॉच में नहीं, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा बहुत सारी जगहों पर आपने डीसी मोटर को देखा होगा। अच्छा, अब डीसी मोटर बेसिकली होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं? डीसी मोटर इज अ काइंड ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करके आपको दे देता है। सही है? तो आप कहेंगे कि द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट और लास्ट वाला जो है
दैट इज वोल्टेज सोर्स या बैटरी यूज होती है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स या कोई बैटरी यूज होती है। देखें अब डायग्राम को जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास डीसी मोटर डायग्राम किस तरह होती है या आपके पास ये दिखता किस तरीके से। डायग्राम आप जरा गौर से देखें, ये आपके पास नॉर्थ पोल है, ये आपके पास साउथ पोल है, इसके दरमियान में मैंने ये रेक्टेंगुलर कॉइल ग्रीन कलर का जो आपको नजर आ रहा होगा वो मैंने रख दिया है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह नॉर्थ से डायरेक्टेड है और साउथ की तरफ जा रही है, सही हो गया। और इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, यहां पर हमने दो स्प्लिट रिंग्स लगाए हुए हैं इस तरह से, दो स्प्लिट रिंग्स हमने इस तरह से लगाए होते हैं। इसको हम स्प्लिट रिंग्स क्यों कहते हैं, असल में ये बिल्कुल रिंग की तरह के होते हैं, इस तरह बोल से होते हैं रिंग शेप के। इसको हमने दो हिस्सों में कट कर दिया, क्या कर दिया है, कट कर दिया दो हिस्सों में, तो एक पोर्शन इस तरह बन जाता है और दूसरा पोर्शन इस तरह बन जाता है। इसको मैंने S1 कह दिया, इसको मैंने S2 कह दिया, ये नाम है स्प्लिट रिंग 1 एंड स्प्लिट रिंग 2। ये हमारे पास दो स्प्लिट रिंग हमने यहां पर लगा दिए। इसके बाद हमने कार्बन ब्रशेस लगाए होते हैं, कार्बन ब्रशेस कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं दोनों साइड्स के ऊपर। चलें मैं कहता हूं कि आपके पास ये एक्स कार्बन ब्रश है और ये वाई कार्बन ब्रश है, ये वाला एक्स कार्बन ब्रश है और ये वाला वाई कार्बन ब्रश है, और फिर हमने इसको कनेक्ट किया होता है इस तरह वोल्टेज सोर्स के साथ। ये जो वायर नजर आ रही है जो कि कार्बन ब्रश से वोल्टेज सोर्स तक आई होती है, इसको कम्यूटेटर्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कम्यूटेटर्स, ठीक है। इसका काम क्या है, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना किसका काम होता है डीसी मोटर में, कम्यूटेटर्स का काम होता है। कैसे होता है अभी मैं आपको वर्किंग थ्योरी के अंदर समझाऊंगा, सही है। अब करंट हमारे पास इस तरह, ये साइड मैंने ए भी लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब मैं ये देखता हूं कि हर साइड के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, और से देखें यहां पर करंट अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से स्ट्रेट है, ठीक है। मतलब यह है कि यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है, मतलब यह है कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमारे पास F = ILB sin θ से F = ILB sin θ आ जाएगा। चले अब हम BC साइड पे जब देखेंगे तो BC साइड में हमारे पास करंट इस तरह ट्रेवल कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी तरीके से हैं, एंगल हमारे पास 0 है। चले अब हम BC साइड के लिए पॉइंट करेंगे F = ILB sin θ और हमारे पास नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि CD साइड के लिए क्या होता है, करंट इस तरह से डाउनवर्ड ट्रेवल कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, एंगल कितने का है, 90 का बन रहा है, सो हमारे पास CD साइड के लिए जो फोर्स है वो भी ILB आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर करंट अपवर्ड है, यहाँ पर करंट डाउनवर्ड है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा लगा दिया सीडी साइड के लिए, ताकि सिर्फ ये कंफर्म हो सके कि यहाँ पर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। अब हम देखते हैं डी ए के लिए हमारे पास क्या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अगर आप गौर से देखें तो डी टू ए जब करंट आ रहा होता है तो इस तरह आ रहा होता है और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है, ठीक है। DE के लिए हमारे पास करंट इस तरह ट्रेवल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, स्ट्रेट लाइन में हमेशा जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 180 होता है। सो यहां पर हमारे पास जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को एंटी पैरेलल थे, हमारे पास एंगल 180 बन गया और फोर्स 0 आ गया। याद रखें कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल में एक साइड पे जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड फोर्स लग रहा है और दूसरे साइड पे जो फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। So, यहां पर फोर्स इनवर्ड, यहां पर फोर्स आउटवर्ड और इसके ऊपर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से ये रेक्टेंगुलर कॉइल क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। एक बॉडी है रेक्टेंगुलर कॉइल, इसके ऊपर दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है ड्यू टू कपल रोटेट करना शुरू हो जाता है, कपल क्या है, when two equal but opposite forces are acting on a body having same line of action, लेकिन different point of action known as couple,
लाइन ऑफ एक्शन तो इनका सेम है लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं कपल। की जो रोटेशन होती है ये कपल की वजह से होती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इस डीसी मोटर पे वो इसकी वर्किंग थ्योरी को समझना है, वो इसकी वर्किंग थ्योरी को समझना है। अब जरा गौर से देखिए इसकी वर्किंग थ्योरी को हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये काम कैसे कर रहा होता है, गौर से देखिएगा। अभी इसकी वर्किंग थ्योरी को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वर्किंग थ्योरी हमारे पास किस तरह से होती है। वर्किंग थ्योरी चार केसेस हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको नजर आ रहा है दिस इज स्प्लिट रिंग S1, दिस इज स्प्लिट रिंग S2, दो तरह के रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अभी जो करंट स्टेट नजर आ रही है आपको, क्या S1 X के साथ कनेक्टेड नहीं है? है S2 Y के साथ कनेक्टेड है, सही कह रहा हूं? ए बी साइड लेफ्ट पे है, सी डी साइड राइट पे, सही कह रहा हूं? केस नंबर 1, पहले केस में हमारे पास इनिशियली क्या है, इनिशियली S1 इज कनेक्टेड विद X एंड S2 इज कनेक्टेड विद Y, कार्बन फोर्स ऐसे ही है। जब इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और से देखें ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, यहां पर फोर्स इनवर्ड लग रहा है और यहां पर फोर्स आउटवर्ड लग रहा है। मुझे ये बताइए कि करंट स्टेट के अंदर मैं कहता हूं कि आपके पास ये A है, ये B है, ये C है और ये D। अभी करंट स्टेट के अंदर S1 जो है वो X के साथ कनेक्टेड था, S2 Y के साथ कनेक्टेड था, A B लेफ्ट साइड पे था, C D राइट साइड पे था। जब इसके ऊपर 90 मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये रोटेशन करेगा, और से देखें जब ये रोटेशन करेगा इस तरीके से रोटेशन करेगा, क्या BC जो AB साइड है, AB साइड, क्या AB साइड पीछे की तरफ नहीं चला गया, पीछे की तरफ चला गया, CD साइड फ्रंट साइड पे आ गया, आ गया। S1 का कनेक्शन X से ब्रेक हो गया, S2 का कनेक्शन Y से ब्रेक हो गया, ये दोनों कनेक्शन एक दूसरे से क्या हो गए, ब्रेक हो गए, सही हो गया। अब जो कॉइल है वो हवा में पड़ा हुआ है, कहां पर है, हवा में पड़ा हुआ है, वैकेंट स्पेस के अंदर है, कॉइल कहां पर है, वैकेंट स्पेस के अंदर है, कॉइल कहां पर है, भी वैकेंट स्पेस के अंदर है, ठीक है। आफ्टर 90 रोटेशन, जब 90 रोटेशन हो जाती है तो क्या होता है, आफ्टर 90 रोटेशन कनेक्शन ऑफ S1, कनेक्शन ऑफ S1 इज ब्रोकन with X and connection of S2 is broken with Y. S1 का connection X से broke हो जाता है, S2 का connection Y से broke हो जाता है, ठीक है। Now the coil is in a vacant space. Now the coil is in vacant स्पेस। अब कॉइल कहां पर है, खाली जगह पर है, वैकेंट स्पेस पर है, लेकिन स्टिल द कॉइल इज रोटेटिंग बिकॉज ऑफ इनर्शिया, कॉइल फिर भी रोटेट कर रहा होता है, लेकिन किस वजह से रोटेट करता है, इनर्शिया की वजह से रोटेट कर रहा होता है, बट स्टिल द कॉइल रोटेट्स ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से कॉइल क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, सही है। ये हमारे पास इनिशियल केस था, केस नंबर 1, और ये हमारे पास केस नंबर 2 है, सेकंड केस है। अब हम जरा देखते हैं, अभी करंटली हमारे पास जो कॉइल है वो वैकेंट स्पेस के अंदर इस तरह से मौजूद है, ए बी पीछे है, सी डी आगे की तरफ, दोबारा से 90 रोटेट होती है इस तरह से, ए बी साइड इधर आ गया, सी डी साइड इधर आ गया, ये जो Y है अब S1 से कनेक्ट हो गया,
और ये जो x है वो s2 से कनेक्ट हो गया, सही है। तो आप कहेंगे आफ्टर अगेन 90 रोटेशन, आफ्टर अगेन 90 रोटेशन, दोबारा से 90 रोटेशन करने के बाद क्या होता है, ठीक है, एक x is connected with s2 and y is connected with s1. x जो है वो s2 से कनेक्ट हो जाता है और y जो है वो हाजी s1 से कनेक्ट हो जाता है, सही है। अच्छा, अगेन 90 रोटेशन जब होगी तो फिर क्या होगा, और से देखें, अगेन हमारे पास जब 90 रोटेशन होगी, अब अभी कॉइल हमारे पास इस शेप के अंदर मौजूद था, सही हो गया, कॉइल हमारे पास इस शेप में मौजूद था, ए बी साइड यहां पर थी, सी डी साइड यहां पर थी, अगेन जब 90 रोटेट होगा तो क्या होगा, ये देखें इस तरीके से फिर से कनेक्शन ब्रेक हो गया, एक्स का कनेक्शन एस2 से ब्रेक हो गया, वाई का कनेक्शन एस1 से ब्रेक हो गया, दोनों कनेक्शन फिर से ब्रेक हो गए, अगेन द कॉइल इज इन वैकेंट स्पेस, ठीक है। तो आप कहेंगे अगेन आफ्टर 90 रोटेशन द कनेक्शन ऑफ एक्स इज ब्रोकन विद एस2 एंड वाई इज ब्रोकन विद एस1, ठीक है। अगेन द कॉइल आपके पास कौन से स्पेस में आ जाता है, वैकेंट स्पेस में आ जाता है, सही है। अगेन द कॉइल इज इन वैकेंट स्पेस, दोबारा से हमारे पास कॉइल कहां पर आ जाता है, वैकेंट स्पेस में आ जाता है। अब मजीद अभी हमारे पास ये कॉइल इस तरीके से मूव कर रहा था, ठीक है, ये कॉइल हमारे पास जो है कुछ इस शेप के अंदर, ठीक है, इसका जो ए बी साइड था वो आपकी तरफ था, सी डी साइड मेरी तरफ था। अब जब दोबारा ये इस तरह से 90 रोटेट करेगा, दोबारा से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, ए बी लेफ्ट साइड पे होगा, सी डी राइट साइड पे होगा, अगेन एस1 एक्स से कनेक्ट हो जाएगा, एस2 वाई से कनेक्ट हो जाएगा, सही है। आप देखेंगे अगेन आफ्टर 90 रोटेशन, again after 90 rotation the coil reaches to the original the initial state, ठीक है, the coil reaches to the original या initial state, दोबारा से initial state में आ जाएगा, as that s1 will be connected with x and s2 will be connected with y, ठीक है। और इसी तरह से ये कॉइल क्या कर रहा होगा, ये कंटिन्यूअसली जो है रोटेट कर रहा होगा, सही है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग थ्योरी ऑफ डीसी मोटर, ये आपको बुक में नहीं समझ आएगी, ठीक है, यहां पर आप सीखे तो आपको डिटेल के अंदर समझ आएगी, इतने डिटेल में बुक में भी नहीं केवल इतने डिटेल में डीसी मोटर बुक में भी नहीं केवल जितने डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आपको घर जाकर वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो आपके पास डिफरेंट केसेस आ रहे थे और डिफरेंट केसेस के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे थे कि आपके पास कॉइल में क्या हो रहा है, ये आपके पास केस नंबर 3 था, ठीक है, ये आपके पास केस नंबर 4 था और ये आपके पास केस नंबर 5 था, ठीक है। इसी तरीके से ये कॉइल क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, सही है। सो ये हमारे पास सारी डिस्कशन थी किसके बारे में, ठीक है, डीसी मोटर के बारे में, इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, ठीक है, वो उसके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये क्या करता है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड करता है, नॉर्थ साउथ के फॉर्म में हमारे पास, नॉर्थ और साउथ के फॉर्म में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा होता है। रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो हमने एज अ कंडक्टर लिया होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल एज अ कंडक्टर काम कर रहा होता है, सही हो गया। इसके बाद स्प्लिट रिंग्स है,
काम क्या है, स्प्लिट रिंग्स का काम रेक्टेंगुलर कॉइल को कंप्लीट रोटेट करवाना है, ठीक है, टू रोटेट द कॉइल कंप्लीटली, कंप्लीटली कॉइल को रोटेट करवाना हमारे पास किसका काम था, ये स्प्लिट रिंग का काम था। कार्बन ब्रशेस का क्या काम था, कार्बन ब्रशेस का काम कनेक्टिविटी क्रिएट करना था बिटवीन किसके, वोल्टेज सोर्स और कॉइल, वोल्टेज सोर्स और कॉइल को आपस में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मेंटेन रखना था, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बिटवीन बैटरी एंड कॉइल, बैटरी और कॉइल के दरमियान इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट को मेंटेन करना किसका काम था, कार्बन ब्रशेस का काम था। कम्यूटेटर्स का क्या काम था, कम्यूटेटर्स का काम हमारे पास ये था कि वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को रिवर्स करना था, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये हमने क्या डिस्कस किया, ये हमने फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन डीसी मोटर डिस्कस किए, ये क्या था, फंक्शंस, functions of different parts in DC motor, DC motor में जो different parts हैं उनकी क्या क्या function है वो हमने study कर ली। Remember this thing, this was a very detailed lecture about DC motor, DC motor paper में इस तरीके से आता है और this is a long question of your paper, ठीक है। So I hope you have enjoyed this lecture, thanks for watching. लास्ट में आपने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और इस पर लाइक भी करना है, कमेंट भी करने हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ की हमारे।